Hello students, myself Mumtaz Sharma from Sonepat. Today we are going to discuss about number system part 5 class 9. आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी irrational number है उसको हम number line पे कैसे draw करते हैं irrational number को, जैसे है root 2, root 3, root 5, root 17 या root 3.8. इनको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं? सबसे पहले हमने लिया root 2 का केस. root 2. हर बार हमने परपेंडिकुलर जो लाइन लेंगे वो 1 की लेंगे. 1 सेंटीमीटर या 1 रूबेल सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर में. ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये भी 1, ये भी 1. हमने उस नंबर के हिसाब से लेट करना बेस. परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेंगे. ए बी सी, जब हम ए सी को मिला दे बाय पाइथागोरस प्रमेय में, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. दिस इज हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस. ए सी हमने निकालना है. ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर. यहां से जब हम स्केयर हटाएंगे उधर जाके वो क्या बन जाता है? स्केयर रूट. 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, दिस इज द रूट 2. ये क्या हमारा रूट 2. इसको एक्सटेंड करो और रूट 2 सी से ऐसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ. दिस इज द नंबर लाइन ऑफ रूट 2. रूट 2 को हमने नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया और ये जो पोजीशन आएगी ये आएगी रूट 2. क्या? रूट 2. ठीक है. क्या करना है? जो भी नंबर है उसके हिसाब से हम बेस को मानेंगे. परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा. बाय पाइथागोरस प्रमेय हम हाइपोटेन्यूस को निकाल लेंगे और वहां से फिर डॉटेड लाइन ड्रा करते हुए थोड़ा क्रॉस शेप में हम क्या ले लेंगे, जो भी नंबर आता है वो रूट. सिमिलरली रूट 3, जैसे हमारे पास अभी है ये रूट 2 भी हमारा आया क्रॉस शेप में. ए बी सी ये 1, रूट 2 का स्क्वायर ए सी इज इक्वल रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 इज रूट 3. ए सी इज रूट 3. फॉर डॉटेड लाइन दिस इज द रूट 3. सिमिलरली रूट 5. This is 1, this is 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट इज 8c, इज रूट 5. डॉटेड लाइन ये इज रूट 5. अगर हम इसको इकट्ठा एक ही नंबर लाइन पे ड्रा करें, एक ही ग्राफ बनाएं इसका, तो कैसे बना सकते हैं वो देखो. ए 1 सेंटीमीटर, बी ये भी 1, ये भी 1. ये कितना आ गया हमारा? रूट 2. 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज रूट 2. फॉर डॉटेड लाइन बी सी दिस इज द रूट 2. पहले ये 1 लिया था मैं. अब ए और सी में ये 1, ये रूट 2. 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट 3. दिस इज रूट 3. फॉर डॉटेड लाइन रूट 3. अब ये 1,
ये रूट थ्री वन और रूट थ्री का स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर इज फोर, फोर का स्क्वायर इज टू, फोर का स्क्वायर रूट इज टू, दिस इज टू, ये टू ये वन, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज फाइव और फाइव का स्क्वायर रूट इज रूट फाइव, तो फोर डॉटेड लाइन दिस इज द रूट फाइव। ओके नाम गिवन कर लो, डी ई एफ पी क्यू आर एस। जैसे हमने बनाया रूट सेवनटीन, फोर प्लस वन फोर का स्केयर कितना होता है सिक्सटीन, वन का स्केयर वन, सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन, दिस इज रूट सेवनटीन, द डॉटेड लाइन दिस इज द सेवनटीन। पर डेसिमल में थोड़ा हटके है, वो कैसे है वो रूट थ्री पॉइंट एट। सबसे पहले आप 3.8 ले लो, एक ए बी 3.8, कितना ही नंबर हो उससे एक सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लो सी। फर्स्ट स्टेप, जो भी नंबर गिवन है उतनी लाइन लो, फिर उसे एक सेंटीमीटर वो लाइन एक्सटेंड करो। ए सी का मिड पॉइंट ए सी ओ हाफ इंच, 4.8 बाय 2 इज 2.4। आप ऐसे भी कर सकते हो, कंपास लो, आधे से ज्यादा कंपास ओपन करो, एक अर्क ऊपर लगाओ एक नीचे, फिर सी पे कंपास को रखो, उस अर्क को काटो, उसको मिलाओ, वो मिड पॉइंट आ जाएगा। अब यहां से 2.4 हमने ये मिड पॉइंट लिख दिया, मान लिया यहाँ पे 2.4 है ये ओ पॉइंट, ठीक है। ओ और सी को या ए और ओ को रेडियस मान के हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, ओ पे कंपास रख के इसको रेडियस मान के हमने ये सेमी सर्कल ड्रा कर दिया, बी और सेमी सर्कल को मिला देंगे वो पॉइंट आएगा डी। उस पॉइंट से जो भी हम आगे डॉटेड लाइन लेंगे वो हो जाएगा रूट 3.8। ओके जो ये बी डी है इससे आगे जो डॉटेड लाइन जाएगी वो हो जाएगा हमारा रूट 3.8। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर एक पार्ट और है उसको देख लो, फिर अगर आपका नंबर सिस्टम से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो, कमेंट देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमें नंबर लाइन पे ड्रा करना है 2.6, वो तो हमने रूट में बताया था, इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रा करेंगे इसके स्टेप देखो। सबसे पहले हमने लिया 2 या ऐसे कर लो, ये हमारा जीरो है, इधर माइनस की टर्म है, इधर प्लस की टर्म है, ये ठीक है। टू को और थ्री को हमने काटा, टू और थ्री के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो लिखे 2.1 2.2 2.3, मान लिया ये हमारा 2.6। ऐसे पार्ट करा हमने, ये मान लिया 2.6 आया। अब हमने 2.6 को और ये आ गया 2.7, इसको 2.682, तो हम क्या लेंगे 2.61 2.62, ऐसे ही यहां आएगा हमारा 2.8 और 2.9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2.7 2.6869 2.7, ऐसे ही नंबर लाइन चलते रहे। अब हमने लेना 68 के बाद 2, 68 लो और 69 लो, 2.681 2.682, ऐसे ही चल के 2.69 और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा नंबर लाइन पे 68।
जो भी नंबर गिवन है उसको ये देखो किस रैशनल नंबर के बीच में आता है। टू और थ्री के बीच में आता है, टू और थ्री को बढ़ा दिया हमने ऐसे। फिर टू के बाद कहां पे जाना है, सिक्स पे, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे चल के थ्री पे जाएगा ना। 2.6 और 7 के बीच में आ गई, 6 और 7 को। फिर 2.6 के बाद है 8, 2.61, 2.62, 2.63 ऐसे ही हम पहुंचे 2.70 पे। हर एक दो नंबरों के बीच में 7 नंबर लेने हैं, तो 10 नंबर लेने हैं हमने, ठीक है। 10 स्टिक होते हैं हर एक के बीच में। अब यहाँ पे आया हमारा 2.68 और 69, हमने लेना 682 किसके बीच में आएगा, 68 और 69 के बीच में, तो 68 और 69 ही है। 681, 682, 683, 684 ऐसे पहुंचे हम 690 पे, तो 682 हमारा जो है नंबर लाइन पे ड्रॉप, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नंबर सिस्टम आज आपका कंप्लीट हुआ, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, कमेंट देकर उस प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।